अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वो कल एक डॉक्टर साहब ये पैकेट मेरे रक्षे में भूल गए थे, ये वापस देने आया हूँ। यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर फारूक बात कर रहा हूँ। डॉक्टर फारूक नाम है उनका, ऑपरेशन भी करते हैं। ओह अच्छा, डॉक्टर फारूक। तो इस नाम का कोई और डॉक्टर भी है या? नहीं नहीं बस वही है। तो ठीक है, फिर ये पैकेट आप उन्हें दे दीजिएगा। आप रुके। नहीं, वो मैंने अपना रक्षा ना नो पार्किंग में खड़ा किया हुआ है, तो पुलिस वाले उठा लेंगे, मैं उसे सही खड़ा करके आ रहा हूँ। अजीब आदमी है। हेलो डॉक्टर फारूक जी, कोई रक्षे वाला आपका एनवलप देके गया है ब्राउन कलर का। नहीं भाई नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे मकान का आज किराया चाहिए, वरना मकान खाली करो। हे लियाकत भाई, मैं कह रही हूँ ना, पैसों का इंतजाम हो गया है, वो बस असलम आएगा तो मैं भेज दूंगी पैसों के साथ। हाँ, एक महीना हो गया ये बातें सुनते सुनते। ले, आ गया ना असलम भी, अभी बताती हूँ। अरे असलम, आके इनको इनका किराया दे दो ना भाई, इतने दिन सबर किया इन्होंने, अब और इंतजार ना करवाओ ना भैया को। अब मुझे सबर नहीं होगा भैया, 2 महीने किराया तो तुम लोग का पहले ही है, 3रे महीने का ये चढ़ गया है। अब मकान का किराया दे दो, नहीं तो मकान खाली करो। लियाकत भाई, वो अरे ये वो क्या कर रहे हो, दे दो ना पैसे, खड़े होकर बातें क्यों सुन रहे हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। लो सुन लो। क्या मतलब पैसे नहीं है, कहाँ गए पैसे? वो मैंने वो तुम दोनों मियां बीवी के तो बयान भी आपस में नहीं मिलते, अगर झूठ बोला करो तो कम से कम बयान तो एक रखा करो। लियाकत भाई मेरी बात सुने, बस 1 हफ्ते का टाइम देते। 1 दिन का भी टाइम नहीं दूंगा। लियाकत भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दें। मेरे हालात तो आपके सामने, मैं फिर भी किसी भी तरह ना आपके किराए का बंदोबस्त कर। हालात? अरे हालात तो तुम्हारे कभी ठीक होंगे ही नहीं। मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखें लियाकत भाई, 1 हफ्ते का टाइम दे दें, मैं किसी भी तरह आपके किराए का बंदोबस्त कर लूंगा। बस 1 हफ्ते का वक्त दे दें, और ये आखिरी मोहलत मांग रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है ठीक है, तुम पे एतबार करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन आखिरी बार एतबार कर रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा किराया दे देना, वरना खामोशी से अपना सामान लेकर चले जाना, वरना मेरे बंदे आगे तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। तो इसलिए फिर छुट्टियां हो जाएंगी? अरे वाह, नानी अम्मा के घर, वहां तो बहुत मजा आएगा। अबू भी साथ जाएंगे ना? नहीं बस हम तीनों जाएंगे ना हैं? लेकिन ये घर तो हम छोड़ देंगे ना? ये किसने कहा तुमसे? सुबह जब मालिक मकान आया था ना, तो मैंने सारी बातें सुनी थी, वो ये कह रहा था कि घर खाली कर दो, अगर नहीं किया ना तो सारा सामान निकाल के बाहर फेंक देगा। ऐसे कैसे हमारा सामान फेंक देगा, कोई हाथ तो लगा के देखे हमारे सामान को, हाथ तोड़ दूंगी। हाँ मगर अम्मी, मगर मगर कुछ नहीं मानी, बहुत बातें करते हो हैं। चलो शाबाश, सोचो 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 सोचो, चलो अब कोई बातें नहीं। मेरे परवरदिगार, तू मेरी मदद फरमा, तू ही सबका हामी और मददगार है, तू जानता तेरे बंदे ने जो कुछ किया है तेरी रजा और तेरी खुशनूदी के लिए किया, और तेरे दर से कोई भी सवाली कभी भी खाली हाथ नहीं गया मेरे मौला।
मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे मेरे मौला, मेरी मदद कर। तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है मेरे मौला, मेरी मदद फरमा दे, तेरी मदद फरमा मेरे मौला, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। सामान रख लिया ना सबने अपना है, कुछ रहे तो नहीं क्या? सब रख लिया। क्या हुआ, कहाँ की तैयारी, कहाँ जा रहे हो? अबू अम्मी हमें नानी के घर लेकर जा रही हैं। नानी के घर? यूं अचानक? क्यों, अपनी माँ के घर जाने के लिए मुझे कोई वजह तलाश करनी पड़ेगी? वजह की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे बताकर तो जा सकती हो ना। अच्छा, तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पूछा था क्या किसी से? बदला ले रही हो मुझसे? देखो असल में बहस नहीं करना चाहती, रोटी बनी रखी है खा लेना है। चलो बच्चों। आसिया? क्या आसिया, अरे भाई को हमेशा को तो नहीं जा रही ना, एक हफ्ते के बाद अगर ये छत हुई हमारे सर पे तो लौट आऊंगी, वरना दर बदर बच्चों को लेकर फिरने का कोई शौक नहीं है, अपनी माँ के घर टिकी बैठी रहूंगी। हाँ क्या हो गया तुम्हें, जज्बात में फैसला करने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचो, जज्बात में किए हुए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। अरे नुकसान देने को रह क्या गया है, कुछ बचा है? चलो हटो हटो असलम, चलो बच्चों।